गाइस, आज हमारा टॉपिक ये नर्वस सिस्टम का है जो कि मेनिनजाइटिस है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजाइटिस ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिनजाइटिस क्या होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके जो सराउंडिंग जो कवरिंग होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना उसको मेनिनजाइटिस कहलाता है। आप सभी लोग जानते हो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तीन लेयर्स होती है जो कि मेनिनजाइटिस के नाम से जाना जाती है। फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर, सेकंड होती है एरेक्नॉइड मैटर और थर्ड होती है पाया मैटर। इन सभी को कंबाइन करके अपन मेनिनजाइटिस कहा जाता है। समझ में आया होगा आपको, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाना मेनिनजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टायर्स एंड नेक्रोलॉजी, जो कि दोनों कंबाइन में है टायर्स एंड नेक्रोलॉजी। फर्स्ट टाइप से देखते हैं बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। इसका मेन कोज ये होता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो मेनिनजाइटिस कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होता है, फिर नेक्स्ट है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस होता है, थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। ये तीन मेन बैक्टीरिया होता है जो मेनिनजाइटिस कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं वायरल मेनिनजाइटिस, कौन कौन से वायरल मेनिनजाइटिस होते हैं जो कि मेनिनजाइटिस को कोज करते हैं। सबसे पहले मंक्स है, इसके बाद पैरामीटर वायरस आता है, एचएसवी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, और फोर्थ है एंड्रोप वायरस होता है जो कि मेनिनजाइटिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड अपन देखते हैं ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस के अंदर स्पेशली ट्यूबरकुलर बेसिलस होता है या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलस होता है जो कि मेनिनजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं सिफिलिस मेनिनजाइटिस। ये सिफिलिस मेनिनजाइटिस स्पेशली सिफिलिस वायरस होता है जो कि कंजेनिटल कोज ही होता है। ये चार मेन कोज और इटियोलॉजी होती है जो कि मेनिनजाइटिस की होती है। ठीक है गाइस, हां गाइस, नेक्स्ट अपन पैथोजेनेसिस देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं मेनिस ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस। अपन ने जो भी टाइप्स एंड इटियोलॉजिकल कॉजेस देखे हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस नेक्स्ट इट लीड्स टू एंटर द बैक्टीरिया एंड वायरस इन द ब्रेन। इस पर जो बैक्टीरिया और वायरस होता है वो ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं जो कि आगे जाके इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी अपने देखे थे इटियोलॉजिकल कॉजेस में वो ब्रेन के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। आगे अपने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि अगर पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। मेनली आप सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन के चार साइन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेडनेस, अगर इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पर रेडनेस होगी। सेकेंड स्वेलिंग, पेशेंट को स्वेलिंग भी होगी। थर्ड होगा पेन, पेशेंट को दर्द महसूस होगा। और लास्ट हीट, वहाँ की जो एरिया होगा हीट यानी गर्म महसूस करता है। तो ये अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो ये रेडनेस स्वेलिंग पेन और हीट ये चार साइन सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट आता है अगर जो सीसर प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर तो क्या क्या साइन सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट साइन सिम्टम एलओसी यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि वो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का जब सीसर प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तब उस टाइम में। नेक्स्ट होता है इरेगुलर रिदम्स, जो पेशेंट की जो रिदम्स वगैरह होती है वो इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अंदर जब आईसीपी सीसर प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट फोर्थ आता है टैकीकार्डिया यानी पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है जिसको हम टैकीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। तो ये गाइस हमने देखा था कि पैथोफिजियोलॉजी बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं फिर इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। मेनली टू पार्ट में देखा था कि अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और अगर सीएसएफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी पार्ट में। नेक्स्ट अपन चलते हैं आर्ली साइन सिम्टम ऑफ मेनिनजाइटिस, कौन कौन से साइन सिम्टम जो मेनिनजाइटिस होते ही शो हो जाते हैं आर्ली, जिसको पर आर्ली साइन सिम्टम्स के नाम से कहा जाता है। सबसे पहले आता है लो ग्रेड फीवर यानी पेशेंट के अंदर लो ग्रेड फीवर होता है यानी ये कंडीशन काफी बार पूछा गया है यानी जब आर्ली साइन सिम्टम पूछता है मेनिनजाइटिस में तो पेशेंट के अंदर लो ग्रेड फीवर दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है सीवियर हेडेक यानी पेशेंट के अंदर सीवियर यानी बहुत तेजी से हेडेक होता है पेशेंट को जिस वजह से कन्वर्जेंस वगैरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीवियर वोमिटिंग यानी पेशेंट के अंदर अगर मेनिनजाइटिस हो रहा है तो उसको सीवियर वोमिटिंग भी देखा
रहता है क्योंकि वहाँ से ब्रेन में से जो मेडुला ओब्लॉन्गा पार्ट होता है वहाँ से जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ से स्टिम्युलेट होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को वोमिटिंग भी दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है इरेक्टिबिलिटी, यानी पेशेंट को वोमिटिंग के साथ में हेडेक हो रहा है, लोग फीवर तो वो इरिटेबल हो जाती है, चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोफोबिया, यानी पेशेंट के अंदर फोटोफोबिया भी दिखाई देता है। तो एक बार ये अर्ली साइन सिम्टम होते हैं जो कि मेनिंजाइटिस में दिखाई देते हैं। हाँ ये सर, पहले अपन देखिए अर्ली साइन ऑफ मेनिंजाइटिस देखे थे, अब अपन देख रहे हैं क्लासिकल साइंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो काफी बार कंपिटिशन एग्जाम में भी पूछा गया, काफी बार पूछा गया है, तो आप स्पेशल फोकस से ध्यान देंगे। तीन क्लासिकल साइन दिए थे जो कि फर्स्ट है पॉजिटिव कर्निंग साइन, अगर पेशेंट में कर्निंग साइन पॉजिटिव प्रेजेंट हो रहा है तो वो मेनिंजाइटिस को इंडिकेशन देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चे को अपन सुपाइन पोजिशन में लेटाते हैं तो अगर उसकी जो लोअर लेग है उसको अपन एक्सटेंड करते हैं तो पेशेंट को इरिटेशन यानी पेशेंट को पेन होता है वहाँ पे। क्यों होता है कि वो मेनिंजाइटिस के अंदर इरिटेशन होने की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है ना। अपन जब से चाइल्ड को लाइट कंसेप्शन सुनाएंगे उसके बाद में लोअर लेग को एक्सटेंड करते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड को पेन फील होता है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है गाइस, ये पॉजिटिव कर्निंग साइन है। नेक्स्ट अपन सेकंड देखते हैं पॉजिटिव ग्रुप जींस की साइन, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी अपन चाइल्ड को लाइन सुपाइन पोजीशन में सुलाते हैं, इसके बाद में पेशेंट के जो हेड होगा उसको एलिवेट करने के लिए बोलते हैं। बच्चा अपने हेड को एलिवेट करता है तो जो उसके बटन्स होते हैं वो भी एलिवेट हो जाते हैं, वो किस लिए होते हैं कि उसके अंदर भी सेम मेनिंजियल इरिटेशन होता है जिसकी वजह से उसके बटन्स भी एलिवेट हो जाते हैं, इसको अपन ने ब्रूट जींस की साइन कहा। नेक्स्ट होता है तीसरा साइन आता है जिसको नकल मेजिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कंपिटिशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है कि जो भी नेक होती है वो स्टिक नेक्स हो जाती है, एकदम टाइटनेस हो जाती है, जिसको नकल मेजिलिटी बोला गया है। तो क्या डायरेक्ट पता दृष्टि के लिए, हाँ नेक्स्ट रहेंगे अपन क्लासिकल साइंस के बाद में नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट देखते हैं कैसे पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर्स का डिस्चार्ज के अनुसार अपने सी टी स्कैन करना है, फिर MRI करना है, PCR करना है, यूरिन एनालिसिस करना है, एक्सरे करना है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है तो फिर अपन को फाइनली जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो नंबर पंचर करते हैं। इसके अंदर अपन चिल्ड्रन है तो L4 या L5 जो नंबर बटी बना उसके अंदर नेडल को इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर से CSF एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर पता लगाते हैं अगर पेशेंट के अंदर प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है या फिर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है तो वो कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। तो लंबर पंचर जब भी कंपिटिशन एग्जाम में पूछा गया है तो ये ध्यान रखना है कि जो लंबर पंचर होता है वो कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं मैनेजमेंट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट है उसको कम्प्लीटली बेडरेस्ट विथ आइसोलेशन रखते हैं अपन, यानी एटलीस्ट अपन को 24 घंटे तक पेशेंट को आइसोलेट रखना है क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी होने के चांस रहते हैं, इसलिए पेशेंट को आइसोलेट रखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फोटोथेरेपी चाइल्ड डिस्पनिया, अगर चिल्ड्रन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको अपन को ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार देते हैं, एंटीवायरल ड्रग देते हैं, स्टीरॉइड ड्रग देते हैं, तो ऑस्मोटिक डायलेटिक जिसके अंदर स्पेशली मेनिटोल का यूज करते हैं जो कि ICP को डिक्रीज करने का काम करती है, और लास्ट आती है एंटी सीजर्स मेडिकेशन होती है जो कि चाइल्ड को देते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है, थैंक यू गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।